हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं, है ना। इसमें हम मेस्ट्रोसाइकल के अबाउट बात करेंगे। इस लेक्चर में मेस्ट्रोसाइकल के अबाउट बात करेंगे, और अगर समय लगता तो बचता है तो हम फिर उसके बाद बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल में। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल में हम शुरुआत करते हैं मेनार्च से लेकर के मीनोपोज तक। कहां से कहां तक? मेनार्च से लेकर के मीनोपोज तक बात करेंगे इसके अबाउट, है। अब मेनार्च क्या होता है और मीनोपोज क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है, मेस्ट्रोसाइकिल क्या होता है, तो इन सभी चीजों के अबाउट हम क्या करेंगे, एक एक करके बात करेंगे ना, कि कैसे ओवेरियन चेंज होता है, कैसे यूट्रस में चेंज होता है, और फिर उसके बेसिस पर फेजेस का नाम क्या होता है ना। इन सभी चीजों के अबाउट आज हम बात करेंगे, और एकदम आराम आराम से बात करेंगे, सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो नहीं समझ में आए। तो अभी बात करें किसके अबाउट, मीनोपोज के, मेनार्च के अबाउट बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि क्या होता है, जब फीमेल अप्रोक्सीमेट 12 से 13 साल यानी कि प्यूबर्टी में होती है, कब होती है, प्यूबर्टी में, तो उस समय में क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अब उस हार्मोनल चेंजेस के इफेक्ट से ये मेनार्च शुरू होता है, यानी कि मेस्ट्रोसाइकल शुरू होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। मेस्ट्रोसाइकल जब स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्ट मेस्ट्रोसाइकल, जब मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। और ये शुरू कब होता है, 12 से लेकर के 13 साल के एज के आसपास में शुरू होता है, और शुरुआत में क्या होता है, ये इरेगुलर होता है, यानी कि शुरुआत में ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, फिर बाद में धीरे धीरे करके ये रेगुलर हो जाता है, पर शुरुआत में। तो हम बोले कि मेस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट ही क्या कहलाता है, मेनार्च कहलाता है। जबकि मेनोपोज का बात करें तो मेनोपोज जो है वो अप्रोक्सीमेट जो 45 से लेकर के 50 साल के एज में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है ना। मेनोपोज का मतलब मेस्ट्रोसाइकल का अप्रोक्सीमेट 45 से 50 साल पे जाकर के क्या हो जाना, सीज हो जाना, रुक जाना, यानी कि स्टॉप हो जाना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेनोपोज का नाम दे रहे, ठीक है। तो मेनोपोज, अब मेनोपोज के बारे में हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि 45 से 50 में ही जाकर के रुक जाएगा, क्योंकि ये मतलब हेल्थ पर भी डिपेंड करता है कि कितना आप मेंटेन करके बॉडी को रखे हो, है ना, उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है, और 50 के बाद भी 55 साल तक भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एवरेज ड्यूरेशन के बारे में, जो जनरली देखा जाता है, एवरेज नहीं बोल सकते हैं, जो जनरली देखा जाता है वो। अब हम बात करते हैं अगला बात, मेस्ट्रोसाइकल सबसे पहले कहां देखने को मिलता है, तो मेस्ट्रोसाइकल जो है वो आपको मेनली देखने को मिलता है मैमल में, और मैमल में भी जो किसे, प्राइमेटा ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे कि मंकी हो गया, है ना, एप हो गया, और ह्यूमन हो गया, मंकी, एप और ह्यूमन, इसमें मेस्ट्रोसाइकल होता है। और इसके अलावा जो भी मैमल्स है उसमें एस्ट्रोसाइकल होता है, इसमें मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, जबकि बाकी जो बच गया, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहे हैं, मंकी, एप और ह्यूमन, इसके बारे में बात करेंगे, मंकी, एप एंड ह्यूमन, फिर से सुनो, मंकी, एप एंड ह्यूमन, ये प्राइमेट्स है, मैमल में कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, प्राइमेट्स से बिलोंग करते हैं, है ना, ये सब के सब प्राइमेट्स से बिलोंग करते हैं। तो प्राइमेट्स से बिलोंग करते हैं, इस समय मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, रेड फ्लूइड बाहर निकलता है। जबकि अगर हम बात करें अनदर मैमल के बारे में, है ना, अगर हम अनदर मैमल्स के बारे में बात करते हैं, तो अनदर मैमल्स में क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल होता है, है ना। स्ट्रेस साइकिल का मतलब हो गया कि इसमें रेड फ्लूइड जो है वो वजाइना से बाहर नहीं आता है, है ना, रेड फ्लूइड वजाइना से बाहर नहीं आता है। अब एनसीईआरटी बात करती है कि जो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज, ध्यान देना, एवरेज ड्यूरेशन या तो 28 दिन हो सकता है या फिर 29 दिन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये साइकिल अपने आप को, साइकिल का मतलब क्या होता है कि जहां से शुरू हुआ वहां पे आकर के खत्म होना, है ना, साइकिल का मतलब ही होता है कि सर जहां से शुरू हुआ है वहीं आकर के क्या हो जाना, खत्म हो जाना, इसी को तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, है ना। तो साइकिल का मतलब ये होता है, तो ये बोल रहा है कि ये अपने आप को रिपीट कब करेगा, तो ये अपने आप को रिपीट 28 से 29 दिन तक करेगा। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली बात है कि वहां एवरेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी एवरेज शब्द का प्रयोग करती है। इसका मतलब ये है कि सर ये कंफर्म नहीं है कि 28 दिन का ही होगा, है ना।
अब आओ मजा आएगा, है ना। चीजों को देखो, एक एक चीज को एकदम डीपली, मतलब डीपली एनसीईआरटी को पढ़ो, लेकिन डीपली पढ़ो। क्यों ऐसा किया? तो ये बोल रहा है कि 28 से लेकर के 29 दिन है, जो 28 अप्रोक्सीमेट 28-29 दिन है, लेकिन ये एवरेज है। इसका मतलब ये है कि जो कम से कम 22 दिन है ना, और ज्यादा से ज्यादा 36 दिन का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। किसी में 22 दिन पे भी रिपीट हो सकता है, किसी में 36 दिन पे भी रिपीट हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर हो रहा है ना, जैसे कि 36 दिन से भी ड्यूरेशन ज्यादा हो गया, या फिर 22 दिन से भी ड्यूरेशन कम हो गया, और ये इरेगुलरिटी चल रहा है, तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए किससे? डॉक्टर से, है ना। तब तो पता चलेगा ना कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसके बीच में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कोई समस्या नहीं है। तो ये मतलब छोटी छोटी बातें समझ में, कि हम बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव साइकिल को बोलते हैं, फिर इसको दो बार मेनोपोज क्या होता है, मेनार्च क्या होता है, तो मेनार्च क्या होता है और मेनोपोज क्या होता है, इसके बाद बात करिए। उसके बाद बात करिए कि मैमल में क्या होता है, कौन कौन से मैमल में, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया और ह्यूमन हो गया, इन सब में क्या होता है, ये सब प्राइमेट्स है और इस सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जबकि अगर अनदर मैमल के बारे में बात किए तो उसके वजाइना से रेड फ्लूइड बाहर नहीं निकलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वहां पर क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल होता है। क्या होता है? एस्ट्रस साइकिल होता है। अब हम बात की एवरेज ड्यूरेशन के बारे में, तो एवरेज ड्यूरेशन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 28 दिन का होता है, 28 से 29 दिन का होता है। और ये हम बात करेंगे इसके बारे में, ह्यूमन के बारे में, मेनली हम किसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमन के बारे में, ठीक है। अब एक बार इसको देखो, फिर आगे बात करते हैं। अब इतना बेसिक बात करने के बाद, है ना, हम थोड़ा सा और आगे निकल करके बात करते हैं, है ना। और अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि सबसे पहले कि ओवरी में क्या क्या चेंजेस होता है ना। तो मतलब ये है कि हम बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कर रहे हैं, कई सारे फेज में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कई सारे फेज में डिवाइड करेंगे। अब उस फेज में डिवाइड करने का क्या रीजन है ये जानो। तो हम बोल रहे हैं कि एवरेज, मतलब जैसे हम बात कर लिए कि ओवेरी में क्या चेंज हो रहा है ना, तो ओवेरियन में, ओवेरियन चेंज की वजह से ओवरी में क्या चेंज हो रहा है, या फिर ओवरी में कौन सा साइकिल चल रहा है, उसके आधार पे, उसके आधार पे हमने क्या किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल को तीन फेज में डिवाइड कर दिया। कितने फेज में डिवाइड कर दिया, तीन फेज में डिवाइड किया, जो कि सबसे पहला है फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। अगर दूसरे फेज के बारे में बात करें तो यह हो जाएगा ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसका हो जाएगा ल्यूटियल फेज। क्या हो जाएगा, ल्यूटियल फेज हो जाएगा, ठीक है। तो ल्यूटियल फेज, अब हम आगे देखो एक सेकेंड, फॉलिक्यूलर फेज जो है वो कितना से लेकर के कितना दिन तक होता है, अप्रोक्सीमेट 6 से लेकर के 13 दिन तक, है ना। और एक बात ध्यान रखो, हम एक तारीख से मान लो कि किसी भी फीमेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उस फीमेल में जो ब्लीडिंग शुरू हुई वो एक तारीख को शुरू हुआ, है ना, एक तारीख को, उसी के हिसाब से चलेंगे, है ना। किस तारीख को शुरू हुआ है, एक तारीख को शुरू हुआ है, उसके हिसाब से चलेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि फॉलिक्यूलर फेज जो है वो 6 से लेकर के 13 दिन तक चलेगा। अब ओवुलेशन का अगर बात करें तो ये 14वां दिन यानी कि 14th डे होगा, जबकि ल्यूटियल फेज लास्ट, ध्यान देना यहाँ क्या लिख रहे हैं, लास्ट 14 डेज बोल रहे हैं, लास्ट 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट 14 डेज होगा, है ना, लास्ट 14 डेज होगा। सर यहाँ पे आपने लास्ट को अंडरलाइन क्यों किया, यहां क्यों जोड़ दो कर दे करके बोले कि लास्ट, ध्यान देना लास्ट बोल रहे हैं, लास्ट बोल रहे हैं, यानी कि लास्ट 14 डेज ऑफ मेस्ट्रो साइकिल। इसका मतलब ये है कि जो हम मेस्ट्रो साइकिल पढ़ रहे हैं वो 28 दिन का है, वो कितने दिन का, 28 या फिर 29 दिन का है। अब जबकि ये जो पीरियड होता है वो वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल होता है ना। यानी कि सिर्फ यही पीरियड की वजह से, यही पीरियड की वजह से 28 से यानी कि 22 से लेकर के, अभी थोड़ा देर पहले बात की थी कि 22 से लेकर के कितना दिन तक हो सकता है, 36 दिन तक हो सकता है, 22 से 36 दिन। और उसमें अगर हम बात करें तो क्या है, फॉलिक्यूलर फेज, कौन फेज, फॉलिक्यूलर फेज वेरिएबल होता है, बाकी फेज वेरिएबल नहीं होता है, फॉलिक्यूलर फेज वेरिएबल होता है। लेकिन ये जो फेजेस के बारे में बात की, जैसे कि फॉलिक्यूलर फेज, ओवुलेशन फेज, ओवुलेशन या फिर ल्यूटियल फेज, ये सब किसके चेंजेस की वजह से, ये सब के सब ओवरी के चेंजेस की वजह से, किसके चेंजेस की वजह से, ओवरी के चेंजेस की वजह से। जबकि अगर हम अगला बात करें कि सर यूटरस भी तो होता है और उसमें भी तो चेंजेस होता होगा, क्या बोले, यूटरस भी तो होता है और उसमें भी तो चेंजेस होता होगा, तो उसमें चेंजेस की वजह से, उसमें चेंजेस के वजह से फिर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने फेज में डिवाइड कर दिया, फिर से तीन फेज में, जिसमें सबसे पहला आएगा मेंस्ट्रुअल फेज। क्या आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, ठीक
ठीक है, मेरिस्टल फेज आएगा, उसके बाद फिर इसमें आ जाएगा फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, और इसमें आएगा ल्यूटियल फेज, है ना। तो यानी कि सबसे पहली बात यह है कि नाम तो हम अलग अलग दे रहे हैं, एक सेकेंड, ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद में हम बात करेंगे इसको प्रोलिफिरेशन, प्रोलिफिरेशन फेज, ये क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, है ना। और अगला बात करेंगे तो यह है सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी, है ना। अब आ जाओ, ये तीन फेज है और यहां कितना फेज है, तीन फेज है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहां पे लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल फेज, पॉलीफिरेशन फेज, सिक्रेटरी फेज, क्या क्या लिखा बोलो, मेंस्ट्रुअल फेज, पॉलीफिरेशन फेज और सिक्रेटरी फेज, ये सब फेज जो है वो किसके बेसिस पे है सर, ये जो है वो यूट्रस के बेसिस पे है, किसके बेसिस पे, यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बेसिस पे है। लेकिन फॉलिक्यूलर फेज, ओवुलेशन या फिर ल्यूटियल फेज, ये फेज जो है वो ओवरी के बेसिस पे है, है कि नहीं। पर एक बार नीट में क्वेश्चन आया, नीट में एक बार क्वेश्चन आया और उन्होंने पूछा कि क्या फॉलिक्यूलर फेज को किसी और फेज के नाम से जानते हैं, तो हाँ जानते हैं ना, कौन से फेज के नाम से, पॉलीफिरेशन फेज के नाम से जानते हैं। किस फेज के नाम से जानते हैं, पॉलीफिरेशन फेज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय ओवरी, ओवरी में फॉलिक्यूलर फेज चल रहा होता है उसी समय, एकदम उसी समय इसमें क्या मतलब, यूट्रस में कौन सा फेज चल रहा होता है, पॉलीफिरेशन फेज चल रहा होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉलिक्यूलर फेज या फिर इसी को क्या बोलेंगे, प्रोलीफिरेशन फेज, है ना। ध्यान देना ना, तो ये एक ही फेज का नाम है, क्या है, एक ही फेज का नाम है, और वे है मतलब क्या है, फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलीफिरेशन फेज, ठीक है। तो ये ध्यान देना। उसके बाद क्या ओवुलेशन फेज का दूसरा नाम कोई है, नहीं, इसका कोई नाम दूसरा नहीं है, ये सिर्फ यही, ठीक। अब आगे बात करते हैं ल्यूटियल फेज का क्या नाम है, तो ल्यूटियल फेज बोलो या फिर उसी चीज को क्या बोल सकते हो आप, सिक्रेटरी फेज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सिक्रेटरी फेज बोल सकते हो, तो सिक्रेटरी फेज बोलो या फिर क्या बोलो, ल्यूटियल फेज बोलो, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्या मेंस्ट्रुअल फेज का कोई और नाम है, तो हाँ सर, मेंस्ट्रुअल फेज का भी और नाम हो सकता है, और इसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, कितना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, है ना। तो चलो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी फेजेस के बारे में बात करेंगे, है ना। और ध्यान ये रखना है कि सर हम जो शुरुआत किए हैं वो कहां से किए हैं, फर्स्ट, यानी कि एक तारीख से शुरुआत किए, ठीक है, एक तारीख से शुरुआत किए, यानी कि किसी फीमेल में जो ब्लीडिंग शुरू हुई है वो कौन से तारीख को, एक तारीख को शुरू हो गया ना, उसी डेज को हम काउंट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम आगे बात करेंगे। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे, पहले बात करेंगे किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में, ठीक है। चल आगे देखते हैं, आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो हम बात किए थे किसके बारे में सर, यूटरस के बारे में, ठीक है। तो यूटरस के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो ध्यान से सुनना एक बार, यूटरस के बारे में क्या बात कर रहे थे कि सर, यूटरस के बारे में जब आप बात किए थे तो हमको यहाँ तक थोड़ा बहुत अगर याद है ना, तो कुछ इस तरह से था, और यहाँ पे जो यूटरस का था वो कितना कुल मिलाकर के कितना लेयर था सर, तीन लेयर प्रेजेंट था, ठीक है, कितना लेयर प्रेजेंट था, तीन लेयर प्रेजेंट था। और इस तीन लेयर में से जो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते थे एंडोमेट्रियम, और उसी समय बताए थे कि यही एंडोमेट्रियम है जो साइक्लिक चेंज में पार्टिसिपेट करता है, कौन से चेंज में पार्टिसिपेट करता है, साइक्लिक चेंज में पार्टिसिपेट करता है। देखो अब कितना मोस्ट इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, और बहुत अच्छा रहेगा आपको पढ़ने में जान करके, है ना। तो एक बार आप देखो इस चीज को कि हम इसको क्या बोल रहे हैं सर, एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं और ये साइक्लिक चेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है, तो इसको ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रेक, है ना, तो बोलेंगे क्या कि ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम क्या है, ये आपको पहले से पता है, एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस का कौन सा पार्ट है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन हो रहा है। सर ऐसा क्या हुआ, ऐसा आखिर क्या हो गया कि इस फेज में जो है वो एंडोमेट्रियम टूटने लगा। अब जब टूट रहा है तो बना ही क्यों था, या फिर बना तो टूट क्यों रहा है,
है कि नहीं है, ये सब प्रश्न मन में आएगा ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियम जो है वो क्यों टूटता है। तो इसमें क्या होता है कि इस फेज में डिक्रीज हो जाता है प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और एंडोमेट्रियम को होल्ड करके रखने का जिम्मेवारी जिसके पास होता है वो कौन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन होता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को होल्ड करके रखता है, उसको टूटने नहीं देता है। लेकिन जब इस फेज में प्रोजेस्ट्रॉन की कमी होती है, एस्ट्रोजन की कमी होती है, तो इसके कमी के वजह से यानी कि डिक्रीमेंट के वजह से एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाता है। एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन कमी हुआ, एस्ट्रोजन कमी हुआ, और इनहिबिन भी कमी हो जाता है ना, इनहिबिन का भी कमी हो जाता है। तो इनहिबिन तीन कुल मिलाकर के कितने हार्मोन्स के बारे में बात किए, तीन हार्मोन्स के बारे में बात किए। इन तीनों हार्मोन्स की कमी की वजह से एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं, इसके अलावा जो है वो इसी फेज में डीजनरेशन होता है ना। डीजनरेशन किसका होता है, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। किसका होता है डीजनरेशन, कॉर्पस ल्यूटियम का भी डीजनरेशन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ल्यूटियम का डीजनरेशन हो गया। तो यहां बात करें डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो कौन कौन डीजनरेट हो गया सर, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। उसके अलावा अगर हम बात करें तो किसका ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि डीजनरेशन हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन हुआ है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन हो गया और ब्रेकडाउन हो गया किसका, एंडोमेट्रियम का। अब ये जब दोनों ब्रेकडाउन होता है, ठीक, अब सुनो ध्यान से, इस चीज को थोड़ा जोड़ते हैं, देखना एक बार। डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, अब कॉर्पस ल्यूटियम से डिजनरेट क्यों हुआ, क्योंकि LH का कमी हो गया। किसका कमी हो गया, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम को होल्ड करके रखने का काम किया था वो क्या हो गया, खत्म, है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम को होल्ड करके कौन रखा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हो गया डिक्रीज, है ना, ये हो गया डिक्रीज, जो कि मेंटेन करके रखा था कॉर्पस ल्यूटियम को। अब इसके डिक्रीमेंट के वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम ही किसको प्रोड्यूस कर रहा था, यही प्रोड्यूस कर रहा था किसको, प्रोजेस्ट्रॉन को। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम ही टूट गया, यही डिजनरेट हो गया, तो कौन खत्म हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, और जो प्रोजेस्ट्रॉन होल्ड करके किसको रखा था, एंडोमेट्रियम को, वो क्या हो गया, वो भी अब धीरे धीरे ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। एकदम शानदार, समझ में आया कि नहीं है, बहुत मजेदार चीज है कि देखो कॉन्सेप्ट को समझना, पकड़ना क्या बोल रहे हैं, कि सबसे पहले डीजनरेशन हुआ कॉर्पस ल्यूटियम का, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का कमी, LH की कमी के वजह से कॉर्पस ल्यूटियम टूटा, है ना, और कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था किसको, प्रोजेस्ट्रॉन को। अब ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है उसकी कमी हुई, और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो होल्ड करके रखता है एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन में, या फिर एंडोमेट्रियम को होल्ड करके रखने का काम किसका है, प्रोजेस्ट्रॉन का। और प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन किसके वजह से होता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करता है सर कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, के कौन सिक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा तो कौन खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, और प्रोजेस्ट्रॉन टूटेगा तो एंडोमेट्रियम पर टूटना, प्रोजेस्ट्रॉन अगर कम होगा तो एंडोमेट्रियम पर टूटना क्या है, तय, इसका ब्रेकडाउन क्या है, तय। तो यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब सुनो, इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या होता है, जैसे कि ये हो गया, ठीक, अब ये टूटा, अब ब्लड का कितना लॉस होता है, तो ऐसे एनसीईआरटी का अगर डाटा का माने तो 40 से लेकर के 80 ml का क्या होता है, ब्लड लॉस होता है पर मेंस्ट्रुअल में, है ना, एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एक बार ब्लीडिंग फेज चलता है तो कितना चलता है, यानी कि हम बोल सकते हैं 40 से लेकर के 80 ml, लेकिन अनदर बुक के अगर डाटा के बारे में बात करें तो वो कुछ 150 ml तक का बात करता है, कि 150 यानी 40 से लेकर के 150 ml तक का ब्लड लॉस होता है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये रहना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ने यही डाटा दे रखा है, ठीक है। तो ये डाटा आपको याद रखना, ठीक। अब इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब क्या होता है, जैसे कि ये ब्लड लॉस हुआ कितना, 50 यानी कि 40 से लेकर के 80 ml, अब ये ब्लड हो जाता है क्लॉट, है ना, ये क्या हो जाता है, जैसे कि ब्लड लॉस हुआ और जो ब्लड है वो हो गया क्लॉट। अरे सर, आज तक तो हम ये जानते थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज में जो ब्लड रिलीज होता है या फिर ब्लड बाहर निकलता है बॉडी से, वो कभी भी क्लॉट नहीं होता, उसके लिए बोलते हैं कांट क्लॉट, आप बोल रहे हो क्लॉट हो गया,
है कि नहीं है। तो देखना एक बार है ना कि हम बोले कि डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम जिससे ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग अप्रोक्सीमेट कितना होगा, तो चाहे 40 से लेकर के 80 में होगा, चलो 150 मान लेते हैं, 150 मान लेते हैं, 150 ब्लड का लॉस होगा। लेकिन हम बोले कि जो ब्लड निकला वो क्या हो गया, क्लॉट हो गया, ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया। तो ये बात सही है कि ब्लड क्लॉट होता है, लेकिन इनसाइड बॉडी, कहां क्लॉट होता है, इनसाइड बॉडी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो बॉडी का क्लॉटिंग हुआ है, बॉडी का क्या हुआ है, सॉरी बॉडी का बोल रहा हूं, ब्लड का जो क्लॉटिंग हुआ है उसको अब डी क्लॉट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डी क्लॉटिंग किया जाएगा इसका, डी क्लॉटिंग, ठीक है। तो इसका किया जाएगा डी क्लॉटिंग। एक सेकंड देखना, हम देख रहे हैं कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, चलो एक सेकंड। तो हम बात करें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, किसके बारे में बात कर लिया, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अब ब्लड क्लॉट हो गया, लेकिन फिर से उस ब्लड को क्या किया जाएगा, डी क्लॉट किया जाएगा, यानी कि डी क्लॉटिंग किया जाएगा। और इसके लिए फाइब्रिनोलाइसिन, ध्यान रखना कौन, फाइब्रिनोलाइसिन, लाइसिन बोल रहे हैं, तो फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, इसको फिर से डी क्लॉट कर देता है। अब ब्लड जब एक बार डी क्लॉट हो गया, अब वो बॉडी से बाहर निकलेगा थ्रू वेजाइना, है ना, कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा बॉडी से, और जब बॉडी से बाहर निकलेगा तो दोबारा वो क्लॉट नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कांट क्लॉट, है ना, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कभी क्लॉट नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि बॉडी से बाहर आकर के क्लॉट नहीं होता है, बॉडी के भीतर क्यों नहीं क्लॉट होगा, जब भी क्लॉटिंग का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो एक बार एंडोमेट्रियम टूटा, फिर सोचो पूरा टूटते चला जाएगा, ब्लड बहना शुरू होगा तो फिर बंद ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले ही उसको डी क्लॉट मतलब क्लॉटिंग किया जाता है, फिर उसका फाइब्रिनोलाइसिन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, क्लॉटिंग कर दिया जाता है ना, फिर वो बॉडी से बाहर निकलता है, फिर वो कहाँ निकलता है, बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसके अबाउट हमने बात कर लिया, ठीक है। तो क्या है ये, अब ये जो है फाइब्रिनोलाइसिन और ये ब्लड बाहर आ गया, तो हम इसको बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। तो ये था किसके अबाउट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अबाउट, है ना। तो सर ये बात ठीक है, अब ये 3 से लेकर 5 दिन तक होता है, ठीक है, यानी कि 1 से शुरू हुआ तो 3 से 5 दिन तक चलेगा, या तो 3 दिन तक ब्लीडिंग होगा, है ना, जैसे कि 1, 2, 3 तक हो सकता है, या फिर 4, 5 तक, यानी कि 1 से लेकर 5 दिन के फेज को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट दिन में सबसे ज्यादा ब्लड का सिक्रेशन होता है, सेकंड दिन में उससे कम, थर्ड दिन में फोर्थ, फाइव, इस तरह से। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि नहीं सर, जो पहला दिन होता है उसमें कम होता है, दूसरा दिन में सबसे ज्यादा होता है, और तीसरा दिन में फिर से कम, चौथा दिन में से कम, पांचवा दिन में से कम, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से मतलब हम मतलब बोल रहे कि 3 से लेकर 5 दिन तक ब्लीडिंग होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, बाकी क्या होता है नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे भी जो है ये क्या है, एक मतलब थ्योरी है ना, एक थ्योरी है, अजम्पशन, एक कॉन्सेप्ट है, जो लगभग लगभग ऐसे होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता है। तो हम किस फेज के बारे में बात किए, मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में बात कर लिए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज। अब आगे बात करते हैं, अब देखो एक बार, फॉलिक्यूलर फेज या फिर इसी को बोलेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज, ये लगभग जो है वो 6 दिन से लेकर 13 दिन का होता है, लेकिन इससे पहले भी हम बता रहे हैं और अभी भी बता रहे हैं कि ये फिक्स नहीं होता है, यानी कि ये वेरिएबल होता है। जैसे कि मान लो फीमेल किसी स्ट्रेस में है, है ना, या फिर क्या हो गया है उसका मतलब पुअर हेल्थ हो गया, यानी कि डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गया, है ना, किसी बीमारी से जूझ रही है, या फिर उसको प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं मिल पा रहा है, तो इन सभी फेजेस में, इन सभी कंडीशंस में, फेजेस नहीं कंडीशंस में क्या होगा, फॉलिक्यूलर फेज में कमी और ज्यादा हो सकता है, यानी कि ये 13 दिन से बढ़ करके उससे भी ज्यादा हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, है ना। तो इन सभी चीजों में हो सकता है, यानी कि जब फीमेल स्ट्रेस में होगी, या फिर उसका क्या होगा, तबीयत खराब होगा, है ना, या फिर ये हो सकता है कि किसी मतलब कि जैसे कि खाना प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, तो इन सभी कंडीशन में क्या होगा, ये फेज वैरी कर जाएगा, क्या कर जाएगा, वैरी कर जाएगा, क्योंकि ये फेज क्या होता है, वेरिएबल होता है, मैंने पहले भी बात कर लिया था। अब होता क्या है कि जैसे 6th दिन शुरू हो गया, है ना, कौन से तारीख से शुरू हुआ है, 1 तारीख से, इसलिए 6th दिन शुरू हो गया है। अब 6th दिन से शुरू हो गया, ठीक है, हम भी बोले हाँ हो गया, चलो ठीक। अब 6th दिन का शुरुआत हुआ, और 6th दिन के शुरुआत में, 6th दिन का शुरुआत में क्या हुआ है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे FSH, है ना, इसके अलावा LH जो है वो पाया जा रहा है, है ना, पाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि FSH है,
एलएच में, और एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है कौन से फेज में, ध्यान देना प्रोलिफरेटिव फेज में या फिर बोल सकते हैं फॉलिकुलर फेज में। एफएसएच है, एलएच है और एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है। अब इस एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने की वजह से, एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने के वजह से ये जो एंडोमेट्रियम वाल है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो एंडोमेट्रियम क्या है वाल है उसका पॉलीफिरेशन हो रहा है। ध्यान देना, हम रिपेयरिंग बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम मान लो कि किसी दीवार पे जब पेंट लगवाना होता है तो पहले क्या लगवाते हैं, पुट्टी, तो समझ लो एक तरह से ये क्या हो रहा है कि इस पे पुट्टी लग रहा है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का पॉलीफेरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉलीफेरेशन हो रहा है, पॉलीफेरेशन, इसलिए इस फेज को नाम हम पॉलीफेरेटिव देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो FSH, LH, लेकिन किसके इंक्रीज के वजह से, एस्ट्रोजन के इंक्रीज के वजह से। ध्यान रखना हमेशा पॉलीफेरेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे एस्ट्रोजन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, देखो क्योंकि यही आकर के क्या कर रही है। अब देखो, अब धीरे धीरे समय बीतता जाएगा है ना, और कौन सा दिन आ जाएगा, वही 10, 11, 12, 13 दिन आ जाएगा। तो 10, 11, 12 जब आएगा तो लगभग हम बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम ऑफ है ना, कि पॉलीफिरेशन यानी कि फॉलिक्यूलर फेज के लास्ट टाइम में एकाएक से क्या होगा, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये हाईली बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा, ये बहुत ज्यादा सीक्रेट होने लगेगा। और इसके ज्यादा सीक्रेशन होने के वजह से, इसके ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से FSH और LH और ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों इंक्रीज हो जाएगा। और हमको पता है कि हम FSH को क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं, जबकि इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो ये जो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, यानी कि डेवलपमेंट करवाएगा है ना। और ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है हम बोलते हैं, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल जो चल रहा है वो फेज ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें कौन है, फॉलिक्यूलर फेज में ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल में चल रहा था, अब FSH इंक्रीज हुआ, LH भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, FSH भी इंक्रीज हुआ, कौन इंक्रीज हुआ, LH भी इंक्रीज हुआ। और FSH के इंक्रीज होने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल मैच्योरिटी की तरफ चला गया, किसके तरफ से चला गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना। और ये LH जो है वो क्या करवा देता है, यानी कि मिडनाइट ऑफ 14th डे है ना, लगभग मिडनाइट यानी कि 14वां दिन के अर्धरात्रि के समय में, का मतलब हो गया कि बीच समय में, क्योंकि हम पूरा पूरी क्या रह रहे हैं, पूरे एकदम क्या बोलते हैं इसको, आइडियल कंडीशन लेकर के चल रहे, इसलिए बोल रहे हैं कि 14th डे मिडनाइट को क्या होने वाला है, ओवल्यूशन होने वाला है, ओवुलेशन हो जाता है, इसलिए यानी कि एग रिलीज हो जाता है, क्या हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है और फॉलिकुलर फेज यहां पे होता है समाप्त। जैसे ही एग रिलीज हो गया ओवुलेशन हो गया है ना, ओवुलेशन हो गया, और जैसे ही एवोल्यूशन हुआ फॉलिकुलर फेज खत्म हो गया। लेकिन ध्यान रखना ये जो ओवुलेशन हुआ है, ये ओवुलेशन किसके वजह से हुआ है ना, तो ये जो एवोल्यूशन हुआ है उस एवोल्यूशन अब आगे यहाँ से देखते हैं, एक चीज हम बात करेंगे कि एवोल्यूशन हुआ है 14th डे पे, ठीक है, 14th डे पे। अच्छा, एक जो नॉर्मल फीमेल होती है वो कैसे काउंट करती है, इस चीज को देखना, यानी कि ये 14th डे है सर, एक बाहर निकल गया है बॉडी से, ठीक है, एक जो है वो बॉडी से बाहर आ गया, ठीक। अब एक बॉडी से बाहर आया और ये जो है वो अप्रोक्सीमेट 24 घंटा तक बॉडी में जीवित रहेगा, अप्रोक्सीमेट कितना तक जीवित रहेगा, 24 घंटे तक जीवित रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें 48 घंटा का, इसको मान लेते हैं कि 48 घंटा है, ठीक है, 48 घंटा तक ये, और अप्रोक्सीमेट अब मान लो कि स्पर्म बॉडी में आएगा, मान लेते हैं है ना, स्पर्म बॉडी में आएगा, तो ये जो है वो कुछ 72 घंटा तक जीवित रहता है। तो ये कितना हो गया, 2 डेज हो गया,
है ना। और ये कितना हो गया सर, ये हो गया 3 डे, ये कितना डे हो गया, 3 डेज हो गया। तो ये 2 डेज है और ये 3 डे, तो कुल मिलाकर के 3 और 2 1 हो गया 5, यानी कि 5 डे, कितना दिन, 5 दिन, ठीक है। अब बात करते हैं 5-4 दिन के आसपास, 4-5 दिन तक मान लेते हैं। अब 14th डे पर क्या हुआ है, एक रिलीज हुआ है। अब इससे अगर हम 5 दिन पीछे आते हैं तो 9th डे, और इससे 5 दिन आगे जाते हैं तो अप्रोक्सीमेट 19 डे। लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि 10 से लेकर के कितना दिन तक, 17 दिन तक, 10 से लेकर के 17 तारीख तक फीमेल अपने आप को मानती है कि वो फर्टाइल है। क्या है वो, फर्टाइल है, यानी कि उसका रिस्क पीरियड चलता है, और इस पीरियड में किसी भी मेल के संपर्क में अगर वो आती है, यानी कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो क्या होता है, वो मतलब प्रेग्नेंट होने के चांसेस उसका बढ़ जाता है। ये कॉमन माना जाता है ना, ये कॉमनली माना जाता है, और इसको हम बोलते हैं कि मतलब फीमेल बोलती है कि इस पीरियड में क्या रहेंगे, मेल से दूर रहेंगे तो क्या नहीं होगा, प्रेगनेंसी होने की चांसेस नहीं है नेचुरली, ठीक है। लेकिन हम आपको अब सच्चाई बताते हैं, और आई थिंक आप भी समझ गए होंगे अभी तक, लेकिन फिर भी आप एक चीज को अब नोटिस करते हैं। तो सबसे पहली बात सर, जैसे कि हम बात करें किसके बारे में, ओवुलेशन के बारे में, ठीक है। तो ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, एक बार पहले इसको समझते हैं, फिर इस चीज को एक बार समझते हैं क्या चल रहा है ना, फीमेल के दिमाग में चल रहा है क्या, और रियलिटी में उसके बॉडी में क्या चल रहा है, इस चीज को देखते हैं, है ना। चलो देखो एक बार, अब ये क्या है, ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के लिए हम बोल सकते हैं कि ओवुलेशन कौन से डे होगा, इसका मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे, आपको एक छोटा सा बात बताते हैं कि ओवुलेशन का कौन सा दिन होगा, डे ऑफ ओवुलेशन, ऐसा लिख सकते हैं, डे ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ठीक है, डे ऑफ ओवुलेशन। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं, मान दो, है ना, टोटल डे, टोटल डे ऑफ मेस्ट्रो साइकल माइनस 14th डे, सर ये क्या बोल गया। तो देखो समझो, मान लेते हैं कि किसी फीमेल में 28 दिन का मेस्ट्रो साइकल है, तो टोटल दिन कितना हो गया 28, माइनस अगर करेंगे 14, तो सर 14वां दिन, एवोल्यूशन किस दिन होगा, 14वां दिन। लेकिन मान लेते हैं कि अब की बार 28 दिन का मेस्ट्रो साइकल नहीं हुआ, उसमें किसी कारण से 33 दिन का हो गया, कितने दिन का हो गया, 33 दिन का हो गया, 34 दिन का हो गया, है ना। तो 33 दिन का अगर मान लो हुआ, तो 33 दिन का हुआ, इसका मतलब 33 माइनस 14, यानी कि 19, है ना। तो अब 19वां दिन एवोल्यूशन होगा। अब ध्यान से सुनना, देखना कितना अच्छा लगेगा देख करके कि क्या सोचती है और होता क्या है। मान लो कि वो 14वां दिन सोच रही है, ये ना मतलब 33 है ना माइनस 14 किए तो 19 आ गया। अब 19 से 5 दिन पीछे आओ या फिर 4 दिन ही पीछे आ जाओ तो 15 दिन, है ना, और 19 से आगे चला जाओ तो 23। और वो कहां तक मान रही थी सर, वो मान रही थी 10 से लेकर के 17 तक की वो फर्टाइल है। वो तो 10 से 17 अपने आप को फर्टाइल मान रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि 10 से 17 तो हुआ ही नहीं, अब तो क्या 15 से लेकर के 23 तक चला गया, जिस 17 के बाद, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 को वो क्या मान रही है कि हमारा सेफ पीरियड है। वो रियलिटी में उसका क्या है सर, रियलिटी में उसके लिए रिस्क पीरियड है, यानी कि इस पीरियड में क्या है, अगर वो मेल के कॉन्टेक्ट में जाती है, यानी कि मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो प्रेग्नेंट होने का चांस पूरे पूरी है, बढ़ नहीं जाता है, पूरे पूरी है, ठीक है। अब आगे चलो, आगे देखो, है ना। तो कुल मिलाकर के जो कहने के लिए कह करके निकल गया भाई, जो मतलब इस चीज को एक बार समझ लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी के लिए भी, है ना। तो ये चीजें जो है वे एक बार समझो इसको, कि मतलब बोल करके निकल गया कि कहां से 10 से लेकर के 17 दिन तक, आइडियल अगर हम आइडियली बात करें कि अगर जो मेस्ट्रो साइकिल है वो 28 दिन का है, कितने दिन का है, 28 दिन का है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा कैलकुलेशन है वो एकदम करेक्ट है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगला बार जो आने वाला है मेस्ट्रो साइकिल, वो मतलब उसी डे पे होगा या फिर डे बदल जाएगा, 33 दिन का होगा, 35 दिन का होगा, 36 दिन का होगा, 22 दिन का होगा, अब 30 दिन का होगा, पता नहीं। अब मान लेते हैं कि अगला बार जो है, अगला एग्जांपल लेकर के बात करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, अगला एग्जांपल लेकर के हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब ध्यान दो, जैसे मान लो कि 22 दिन का मेस्ट्रो साइकिल हो गया, है ना, बहुत अच्छा था ना, कि मान लो अब की बार 22 दिन का ही हो गया, तो टोटल डे ऑफ मेस्ट्रो साइकिल माइनस 14 डे, है ना। अब इसमें से मान लो हम कितना निकाल दिए, 14 निकाले तो आ गया 8, है ना। अब देखो वो 10 से काउंट कर रही थी कि 10 से 17 तक हम क्या रहेंगे, मतलब फर्टाइल पीरियड में रहेंगे, लेकिन अब की बार वो 10 से 17 दिन तक नहीं रहेगी फर्टाइल, अब की बार वो कहां तक रहेगी सर, 5 दिन, यानी कि ड्यूरिंग मेस्ट्रो साइकिल, मतलब ड्यूरिंग मेस्ट्रुअल फेज, मेस्ट्रुअल फेज चल रहा है क्या है,
लगता है कि मेंस्ट्रुअल फेज में तो ऐसा हो नहीं सकता है, पर मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है और उस मेंस्ट्रुअल फेज में भी देखो कितना आ गया सर, 5 दिन से लेकर के 11 दिन 12 दिन तक हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं ऐसा कि कोई भी डे फीमेल ऐसा नहीं बोल सकती है। इस कैलकुलेशन से ये समझ में आया कि पूरा 1 डे से लेकर के 28 दिन तक अगर किसी भी दिन वो मेल के कॉन्टेक्ट में आती है और अगर वो फर्टाइल है, अगर वो फर्टाइल फीमेल है तो क्या हो सकता है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है ना, किसी भी डे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सेफ पीरियड है या फिर ये रिस्की पीरियड है, क्योंकि सेफ और रिस्क का बात हम करते हैं और आइडियल कंडीशन में जाकर के जब कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 28 दिन का होता है। इसके बाद भी अगर आपके क्वेश्चन आता है नीट में या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि कितने दिन का कौन से दिन पे ओवुलेशन होता है, आप 14 डे बोलेंगे है ना, और सेफ पीरियड कब से कब तक होता है, तो सेफ पीरियड नहीं सॉरी रिस्क पीरियड यानी कि फर्टाइल पीरियड कब से कब तक होता है, तो आप 10 से 17 ही याद रखेंगे, आपको याद तो यही रखना है 10 से 17 ही, लेकिन ये आइडियल कंडीशन में ये बात भी मत भूल जाना, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कितना सारा वेरिएशन हो रहा है ना, प्रैक्टिकल में हम कितना देख रहे हैं कितना सारा वेरिएशन हो रहा है सर, इतना सारा वेरिएशन है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मतलब मेल का स्पर्म है ना, स्पर्म में प्रोस्टाग्लैंडिन भी तो है, प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन है जो क्या करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन कराता है, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए भी है ना, तो अगर इधर उधर घूम रहा है वो लाओ करके ना, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन भी, ये भी कॉन्ट्रेक्शन तो करता है यूट्रस में, ये भी कॉन्ट्रेक्शन कर देता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्टाइल फेज में हैं तो चाहे वो डे नंबर 1 हो, डे नंबर 48 हो, डे नंबर 17 हो, डे नंबर 10 हो, उससे पहले उसके बाद यानी कि पूरा ड्यूरेशन में किसी भी समय में मेल के साथ इंटरकोर्स करने पर फीमेल क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अगर मान लो कि ये बात दिमाग में किसी के है कि ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर ये भ्रम है और इस भ्रम को आज निकाल दो है ना, इस वीडियो को देखने के बाद भ्रम बाहर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है चलो आगे। तो ये था थोड़ा सा बात किसके बारे में, ओवुलेशन के बारे में ना, कब ओवुलेशन होता है और फीमेल प्रेग्नेंट कैसे होती है। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे आकर के दो इवेंट होता है ना, दो इवेंट जिसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा कर रहे थे ना, कि एक तो ये हो सकता है कि फीमेल जो है वो शादीशुदा है, शादीशुदा का मतलब अपने पति के साथ रह, किसी मेल के साथ रह रही है ना, और वो मेल के साथ क्या की, इंटरकोर्स की, और इंटरकोर्स की और ओवम उसके बॉडी से निकला ओवुलेशन के थ्रू और स्पर्म बाहर से गया, दोनों का मीटिंग हुआ और क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ और फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन हम बोल रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, अब यहाँ से डाइवर्ट करेंगे अपने चैनल को, चैनल बोल रहे हैं मतलब अपने टॉपिक को, और टॉपिक को ले जाएंगे कि इफ मतलब ये जो है फर्टिलाइजेशन नोट अकर, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उसके बाद क्या होता है, हम उसके बाद के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद के फेज को सबसे पहले तो नाम देते हैं ल्यूटियल फेज का, क्या नाम देते हैं इसको, ल्यूटियल फेज, या फिर इसी चीज को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। तो ये हो गया ल्यूटियल फेज, और इसके अलावा या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं सिक्रेटरी फेज का, ठीक है। तो ये हो गया सिक्रेटरी फेज, एक सेकंड, अब हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, ल्यूटियल फेज के बारे में या फिर किसके बारे में, सेक्रेटरी फेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सर देखते हैं, एक सेकंड, क्या ना कला बहुत पानी पीते हैं। अब इससे पहले भी हम बात कर रहे थे जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट देख रहे थे उस समय में बात की थी कि ग्राफियन फॉलिकल यानी कि मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है, ये हमारा नाम मान लो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसमें से क्या होता है ओवम, ओवम रिलीज होता है ना, एक यानी कि रिलीज हो गया,
एक हो गया रिलीज। अब एक रिलीज होने के बाद में ये जो मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम का क्या हो चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया है ना, ये हुआ कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन। तो कॉर्पस ल्यूटियम का हो गया फॉर्मेशन, ठीक। अब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा सर, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सीक्रेट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन और इसके साथ में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम करता है। इसलिए इस फेज को हम सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। कौन सा फेज बोलते हैं, सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, यानी कि जो एंडोमेट्रियम का वाल कौन से फेज में बोलो, फॉलिक्यूलर फेज में जो क्या हुआ था, पॉलीफिरेट हुआ था। पॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, उसका पॉलीफिरेशन हुआ था, पॉलीफिरेट हुआ था, उसको मेंटेन रखने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन करता है, वो ये करता है, है ना, कौन करता है, ये करता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन करता है। कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। तो प्रोजेस्टेरोन करता है और साथ में एस्ट्रोजन भी सपोर्ट करता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, समय बीतेगा है ना, और समय बीतते जाएगा और बीतने के बाद समय, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हाँ एक तो इसके अलावा FSH और LH जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ये सब फॉल होने लगता है। जैसे ये इंक्रीज होने लगा उसके बाद ये सब क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतते जा रहा, अब समय धीरे धीरे बीतता गया, अब क्या हो रहा है, कुछ दिन यानी कि 22-24 दिन के आसपास में क्या होता है, जैसे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है, देखो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का ये फॉर्मेशन कर रहा है और उसको होल्ड करके रखा है, लगभग 8 दिन का समय लगता है, कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है इस वाले रीजन में। अभी हम बात करेंगे ये कौन है, फ्लोपियन ट्यूब के इस वाले रीजन में, यानी कि एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पे फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और वहां से इसको कहां तक पहुंचने में, ये फंडस तक पहुंचने में, अप्रोक्सीमेट 8 दिन का समय लगता है। और अगर 8 दिन में यहाँ पे नहीं पहुंच पाया है ना, और HCG है ना रिलीज नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम अब डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होना शुरू हो जाएगा, डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो गया, अब कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्विकन्स, तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉर्पस एल्विकन्स में, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम के क्या होने की वजह से, डीजनरेट होने की वजह से आगे जाने के बाद में कुछ समय के बाद में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फॉल होने लगता है, गिरने लगता है नीचे की तरफ में। और अगर हम बात करें FSH और LH के बारे में, तो ये तो पहले से क्या था, कम था, तो ये पहले से कम था, अब ये कम होने लगा, तो फिर से क्या होने लगता है, एंडोमेट्रियम टूटने लगता है, और फिर से कौन सा फेज आता है, वेरिंग फेज आता है। तो जहां से शुरू किए वहां आपको पहुंचा दिए, हम जहां से शुरू किए वहां पे आपको क्या कर दिए, पहुंचा दिए। तो एक बार ये था हमारा क्या, पूरा ऑल अबाउट मेस्ट्रोसाइकिल, यानी कि जो भी एनसीईआरटी में आपके गिवन है वो सब इसमें देती है ना, यहां तक में इसके अबाउट बात करते हैं, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा सा हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे अभी, है ना, इसी से रिलेटेड ये सब जो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, FSH, LH, इनहिबिन, रिलैक्सिन, इस सभी हॉर्मोन्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और उसके अलावा एक एनसीईआरटी में भी क्या बोलते हैं, ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ के बारे में भी बात करते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस देख दे है ना। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे, देखो क्या होता है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो एंटेरियर पिट्यूटरी से, फिर से वही बात बोल रहे हैं, पोस्टेरियर नहीं, एंटेरियर, कौन सा, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, ऑर्डर देगा, और इसके ऑर्डर से दो हार्मोन सिक्रीट होगा, है ना, कितना हार्मोन सिक्रीट होगा, दो हार्मोन, एक का नाम होगा LH और एक का नाम होगा FSH, एक का नाम होगा FSH जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अब फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक का नाम है LH, LH का मतलब हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, FSH और LH।
तो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस एंटर पिट्यूटरी ने एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या किया, आदेश दिया, बोला भाई दो हार्मोन्स को सीक्रेट करो, कौन कौन से हार्मोन्स, एक हार्मोन्स FSH और एक हार्मोन्स LH, है ना, इस हार्मोन्स को क्या करो सीक्रेट करो। अब देखो ऐसे जो FSH है ना, FSH ये क्या करता है, इसका काम है इंड्यूस्ड, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को इंड्यूस्ड कर देगा। और उसके अलावा डेवलपिंग फॉलिकल, जो फॉलिकल डेवलपिंग है ना, तो डेवलपिंग फॉलिकल, फॉलिकल सीक्रेट क्या, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो हम कुल मिलाकर के अभी तक जो बात की उसके बारे में सोचो क्या कि हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिखना चाहते हैं ना, एकदम ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्शन देगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH को सीक्रेट करेगा, FSH और LH को क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। अब FSH के बारे में बात करें तो ये इंड्यूस्ड कर देगा किसको, फॉलिक्यूलर के डेवलपमेंट को, है ना, तो इंड्यूस्ड फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, ठीक है, ये इंड्यूस्ड कर दिया फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को। और अगला बात करें कि डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट कर देगा क्या, एस्ट्रोजन। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और है भी तो देखो आगे देखो क्लियर हो जाएगा ना। तो हम बात किए इतना तक। अब देखो ये जो LH है ये दो काम करेगा, LH है ये दो काम करेगा। पहला काम इसका है कि सर ये ओवल्यूशन करवा देगा, ओवल्यूशन, और इसके बारे में ओवल्यूशन क्या होता है ना, इसके बारे में हम बात कर लिए। अब हम बात करते हैं किसके बारे, इसके अलावा क्या करता है, ये एवोल्यूशन ओवल्यूशन करवाता है और उसी समय में कॉर्पस ल्यूटियम का भी फॉर्मेशन कर देता है, इसका कॉर्पस ल्यूटियम का भी क्या कर देता है, ये फॉर्मेशन कर देता है। तो देखो जैसे कि ओवल्यूशन के बारे में LH क्या किया, ओवल्यूशन करवा दिया और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवा दिया। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करेगा। एक एक करके बात करते हैं, तो सबसे पहले एस्ट्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। एस्ट्रोजन को क्या किया, ये प्रोड्यूस करवा दिया। अब ये जो एस्ट्रोजन है ना, ये क्या करेगा, रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम क्या करेगा, इसके बारे में बात कर लिए हैं, पर देख लो रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम के रिपेयरिंग का काम कौन किया, सर एस्ट्रोजन किया। अगली बात है कि ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब ध्यान देना, ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कौन डिक्रीज कर रहा है, एस्ट्रोजन डिक्रीज कर रहा है। तो जब तक एस्ट्रोजन बॉडी में है तब तक कोलेस्ट्रॉल कभी भी नहीं बन सकता है। यही कारण है कि जो हार्ट अटैक होता है या फिर हार्ट से रिलेटेड डिजीज जो होता है वो मेल को होता है, फीमेल को नहीं होता है। इसका रीजन कौन है, एस्ट्रोजन, है ना। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ही नहीं होने देता है। अब जब फॉर्मेशन ही नहीं होने देता है तो क्या होगा, कभी भी हार्ट अटैक आने का कोई चांस ही नहीं है, है कि नहीं, कार्डियक अरेस्ट आने का कोई भी चांस नहीं है। तो हम इसके बारे में बात करें, रेयरली आता है, वैसा नहीं कि सर नहीं तो आता है, ये तो आता है, हमारा एंटी को आया था, ये नहीं हो सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि सब में नहीं, लेकिन जनरली बोल रहे हैं कि जनरली मेल में हार्ट अटैक होता है, फीमेल में नहीं, ठीक है। आगे अब ध्यान देना, अगली बात करते हैं यहां तक में, ठीक है। अब छोटा सा बात आगे देखो, ये एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन किया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरोन का भी फॉर्मेशन करेगा कौन, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा, फॉर्मेशन नहीं सीक्रेट करेगा, किसको, प्रोजेस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन का। अब प्रोजेस्टेरोन का सर काम क्या, सर कुछ नहीं है, प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को होल्ड करके रखना, है ना, एंडोमेट्रियम को क्या करके रखना, होल्ड करके, यानी कि कुल मिलाकर के बोल सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, है ना। तो ध्यान रखना है आपको मेंटेनेंस,
ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के बारे में बात की, तो ये ध्यान रखना। देखो रिपेयरिंग कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन कर रहा है, है ना। रिपेयरिंग कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन कर रहा है। और मेंटेनेंस का काम कौन कर रहा है, मेंटेनेंस का काम यानी कि मेंटेन करके रखने का काम प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। इसके अलावा जैसे कि अगर बात करें थोड़ा बहुत, है ना, तो मेस्ट्रोसाइकिल के दौरान जब मेस्ट्रोसाइकिल पूरा होता है यानी कि जब ब्लड सिक्रेट हो रहा होता है ना, फिर मेस्ट्रोसाइकिल के दौरान क्या होता है, फीमेल के पेट में यानी कि पेल्विस रीजन में थोड़ा सा क्या होता है, पेन होता है। इसका रीजन क्या है, तो एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। क्या नाम है, रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन, तो यहां ध्यान देना, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन एक हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है इन यूट्रस। ठीक है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिस तरह से हम बात किए थे प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, वो क्या करता था, कॉन्ट्रैक्शन करता था किसमें, यूटरस में। उसी तरह से ये भी क्या करता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूटरस, इन यूटरस। ठीक है, यूटरस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है जिसके वजह से फीमेल के मतलब बोल सकते हैं कि पेट में क्या होता है, स्टमक में थोड़ा सा पेन होता है ना, तो ये रिलैक्सिंग की वजह से होता है, रिलैक्सिंग की वजह से होता है। और ये मतलब कि इस वाले भी रीजन में होता है, और साथ में ही अगर बात करें तो पीछे वाले एरिया में यानी कि जो मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, कमर से नीचे का जो एरिया होता है यानी कि जिसको थाई बोलते हैं, उसमें पीछे की तरफ में भी क्या होता है, पेन होता है, तो उसका भी रीजन कौन है, ये है ना, थोड़ा बहुत एकदम हल्का सा पेन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, ड्यूरिंग मेस्ट्रुअल फेज ना, जब मेस्ट्रुअल यानी कि जब ब्लीडिंग हो रहा होता है उस समय में, तो ये रिलैक्सिंग इसका कारण है। इसका कारण कौन है, रिलैक्सिंग इसका कारण है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन होता है, अगर थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पेन हो रहा है तो डॉक्टर से मिलो, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी ज्यादा पेन हो रहा है। इसके अलावा एक और हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है इनहिबिन, जिसका नाम क्या है, इनहिबिन, है ना। तो अब सर एफएसएस बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, और अगर एफएसएस ज्यादा रिलीज होगा तो क्या करेगा, एस्ट्रोजन को बहुत ज्यादा रिलीज करवा देगा, है ना, फॉलिकल का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करवा देगा, एक से ज्यादा फॉलिकल का, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक एक जो है यानी कि रिलीज होना था उसके जगह पे क्या हो जाएगा, दो एक रिलीज हो जाएगा, है ना, तो दो एक रिलीज हो जाएगा तो जुड़वा बच्चा होने का चांसेस बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए कौन करता है, ये जो इनहिबिन है वो इनहिबिन क्या कर देता है, वो इनहिबिन जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक लेकर के हाइपोथैलेमस को बोलता है कि भैया बस करो, है ना, अब एफएसएस की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बॉडी में एफएसएस जो है जरूरत के हिसाब से जितना जरूरत है उतना ही आएगा, है ना। और उसके लिए कौन कंट्रैक्ट करता है, इनहिबिन नाम का एक हार्मोन है जिसको क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है कि भाई अब बस करो, है ना। तो बस करो कौन, इनहिबिन बस करवाता है। तो हम आई थिंक आपको बता रहे कि ये जो चार हार्मोन्स रहा, इसके अलावा जो भी मेस्ट्रो साइकिल में था वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आगे बात कर रहे हैं थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में ग्राफ लेकर के रखा है उसके अबाउट। ठीक है, देखो इस ग्राफ को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप एक काम करो, अभी कभी, है ना, अभी नाउ, अभी कभी 50 पेज नंबर एनसीईआरटी का खोलो, क्लास 11 एनसीईआरटी, सॉरी क्लास 12 एनसीईआरटी पेज नंबर 50, ना, और पेज नंबर 50 में ये ग्राफ दे रखा है, हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर खोल करके अपने सामने में रख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखो ये डे दे रखा है, डे का मतलब एक से लेकर के 29 दिन और फिर से मंडे आ गए, यानी कि यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गया कुल मिला करके, है ना। तो ये कुछ ऐसे करके डे रखा है। अब हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप एक बार देखो यहाँ पे प्यूटिट्री हार्मोन दे रखा है आपको, ठीक है, प्यूटिट्री हार्मोन। तो प्यूटिट्री हार्मोन को कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन है, है ना। तो एक काम करो, जो शुरुआत के दिन में ऊपर है, जो शुरुआत के दिन में कहाँ है, ऊपर, एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं, जो शुरुआत के दिन में ऊपर है, ठीक है, और फिर क्या हुआ, वो डिक्रीमेंट हो रहा है उसका, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, ऐसे करके डिक्रीज होता चला गया, है ना, और कुल मिला करके कुछ डिक्रीज हुआ, ठीक है, क्या हो रहा है, इसका डिक्रीमेंट हो रहा है, ऐसे करके आया, और ये 13 दिन के आसपास आने के बाद में इसका इंक्रीमेंट हुआ, और ये ऐसे करके बढ़ गया, ठीक है, ऐसे करके बढ़ा और फिर से घटा और घटते हुए फिर से चला गया, फिर से ऐसे गया और फिर लास्ट में जाकर के बढ़ गया। इसको हम FSH बोलेंगे, क्या बोलेंगे, FSH बोलेंगे, FSH। याद रखने का सिंपल तरीका है, जो शुरू में क्या था, ज्यादा था, है ना, जो शुरू में ज्यादा था और फिर बाद में क्या था, ज्यादा था, शुरू में ज्यादा और बाद में ज्यादा, वो है FSH। क्या है, वो है FSH। इसके अलावा अगर हम बात करें LH के बारे में, तो शुरुआत में LH FSH से कम है लेकिन फिर बढ़ा,
ठीक है, क्या हुआ फिर ये बढ़ा और बढ़ करके इससे ज्यादा ही होगा, है ना, और पूरे पूरे ड्यूरिंग साइकिल क्या रहेगा, इससे ज्यादा ही रहेगा, ये क्या रहेगा, इससे ज्यादा ही रहेगा और आखिरी में जाकर के कम हो जाएगा, तब हमको एरेज मांगेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एरेज बोलेंगे, है ना। तो ये फिगर जो है वो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, रंगीन दे रखा है, लेकिन लेकिन आप जब कहा जाएंगे, जब ये पेपर में ये फिगर आएगा, ये फिगर आता है ना, इसलिए फिगर याद नहीं होना चाहिए, तो जब ये पेपर में फिगर आएगा, है ना, तो पेपर में जब फिगर आएगा तो आपको कैसे दिखेगा, ये सदा रहेगा पूरा, है ना, लेकिन सदा रहेगा तो कोई बात नहीं, हम पहचान लेंगे। क्या बोले हम कि अगर शुरू में किसी प्यूटरी हार्मोन के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत में अगर ज्यादा है, शुरुआत में क्या है, ज्यादा है और लास्ट में भी ज्यादा है, यानी कि वो FSH है, जो शुरू में कम है और लास्ट में भी कम है, लेकिन बीच में सबसे पूरा पूरे साइकिल में सबसे ज्यादा है, पूरे साइकिल में क्या है, सबसे ज्यादा वो LH है, जो सबसे ज्यादा वो क्या है, LH है। तो ये कौन से हार्मोन के बारे में बात की, पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में, और उसके बाद में पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन के बीच में आपको जो है वो ओवरी का क्या दे रखा है, यानी कि जो फॉलिकल्स है उसके बारे में दे रखा है, उसका डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि वो इवेंट क्या हो रहा है उसके बारे में दे रखा है, वो भी आप देख लेंगे, ठीक है, है ना। अब हम बात करें किसके बारे में, कि 14 ये रहा 14 दिन पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 14th डे है ना, यहीं पे ओवुलेशन होगा, क्या होगा, यहीं पे ओवुलेशन होगा, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब एक सेकेंड देखना इधर, अब के ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओवेरियन हार्मोन्स में एक बात ध्यान रखो कि जो 14 दिन से पहले पहले तक एकदम जैसे जस्ट सटा हुआ ऐसे चल रहा है, बिल्कुल भी एकदम ऐसे चल रहा है, ठीक है, अब ये ऐसे करके ऐसे चल रहा है, चल रहा है यहां तक पहुंचा। अब उसके बाद क्या होगा, ये एकाएक से बढ़ेगा, एकाएक से क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, एकाएक से बढ़ेगा और बढ़ करके पूरा ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और फिर लास्ट आते आते ऐसे घट जाएगा, फिर लास्ट आते आते क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान ये रखना है कि जो 14 दिन से पहले, यानी कि 14th डे से पहले पूरे तरह से नीचे था, एकदम कम था, लेवल था ही नहीं, उसको हम बोल रहे हैं कौन सा, ये प्रोजेस्ट्रॉन है, कौन है, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो शुरुआत के दिनों में इससे ज्यादा था, जो शुरुआत के दिनों में क्या था, इससे ज्यादा था, और अगर बात करें 14 दिन के आसपास भी इससे बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे ही ये दिन खत्म हुए वैसे ही ये क्या हुआ, घटना शुरू हो गया सर, ये क्या होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, और घटना शुरू हुआ और फिर बाद में जाकर के बढ़ा, फिर बाद में जाकर के बढ़ा और